जय बोलो स्वतंत्र भारत के, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम। I would now request my father who has written some words for us today. All of you on the eve of Independence Day of our beloved country, India, we have completed 75 years of independence and we are celebrating this festival as a national festival, as a nectar festival of independence, Azadi ka Amrit Mahotsav. It is our great pleasure to be a part of this celebration even while living so far from home. On this day, we remember the glorious sacrifice and working professionals and their families. I am glad to know that you all try to celebrate most of our festivals together. आज नॉर्वे में झंडा फहरा के कैसा लगा? इट वॉज रियली ऑसम। द वेदर इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस, सब मौसम भी अच्छा है और सब लोगों से मिलके लाइक पहली बार हम लाइक इंडिया से बाहर इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो इट इज क्वाइट फन एंड फैंटास्टिक। एंड वी ऑल्सो गॉट द लड्डूज टू ईट, सो इट वॉज रियली फन एंड लाइक देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हियर, सो वी केम टू नो ईच अदर एंड वी मीट, सो इट वॉज रियली फन। या इट्स आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स, जय हिंद। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, आज़ादी का 75 वर्ष का पूरा हो चुका है, ये 76वां इंडिपेंडेंस डे है जो हम यहाँ आज, हमें ये सौभाग्य मिला देश के बाहर नॉर्वे में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का अपने दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा लगा के, बहुत अच्छी भावना है। हाँ, मेन चीज़ इसके बारे में यही है कि जैसे बाहर आके और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, और अपने देश के लोगों से मिल रहे हैं और
बहुत स्पेशल डे लग रहा है, अलग ही उत्साह है। इंडिया में मनाते थे, मनाते हैं। इट इज रियली गुड टू बी हियर एंड इट इज अरे जय हिंद तो बोला ओके।